हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपी स्पेशल का 15वां पार्ट। इसमें देखते हैं खनिज संपदा। आपको बता दें भारत में एमपी का थर्ड नंबर पे है, ठीक है, खनिज संपदा के हिसाब से। एमपी में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 20 का उत्पादन होता है। बता दें एमपी की खनिज नीति आई 1995 में, और जो खनिज नीति निगम बनाए 19 जनवरी 1962 में, और नई खनिज नीति आई है 2010 में, और गौण खनिज नियम आया था 1996 में। अब मैग्नीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट खनिज है जो एमपी में 18.47% पाया जाता है, फर्स्ट भारत में फर्स्ट नंबर पे है एमपी। ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, मंडला में पाया जाता है। भार वैली आपको मालूम होना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी खदान है, ठीक है। मारवेली, बारवाली, तरोड़ी, बरजारी, भरवेली, नेमा, राम रावा, सेल वा एक खदान है, यहाँ से उत्पादन होता है। निर्यात होता है इसका मैग्नीज का जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस में। फेरा मैग्नीज है जो लोहे मैग्नीज का मिश्रण है। दूसरा बॉक्साइड, बॉक्साइड के मामले में एमपी 5वें नंबर पे भारत में। जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, शहडोल में, अमरकंटक में पाया जाता है। विंध्य की चट्टानों में बालू, सेलिका, क्वार्ट जाइट में सर्वप्रथम खनन हुआ था 1908 में कटनी में। कोरंडम ये एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है। ये पीपरा सिंगरौली में पाया जाता है। कठोरता की दृष्टि से हीरा के बाद दूसरे नंबर पे है। हीरा एमपी में फर्स्ट नंबर पे है। मजगांव पन्ना में, हिनौता सतना में, अंगौर छतरपुर में, बंदेर बक्सवा एक खदान है एमपी में। भोगन नदी घाटी के किनारे घाटी में पाया जाता है। खनन इसका खनन हीरा का करवाते नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चीनी मिट्टी क्योलिन बोला जाता है। ये ग्वालियर, नामुक पहाड़ी पर और जबलपुर, रतना सीरी, शहडोल, गोडवाना युग की चट्टानों में से उत्पादन होता है इसका। चूने का पत्थर ये एमपी में सेकंड है, एमपी सेकंड है इस मामले में। जबलपुर, कटनी, सतना, सीधी, ग्वालियर, मुरैना में होता है इसका उत्पादन। क्वार्ट सिलिका बालू रीवा में एक कांच बनाने रीवा में उत्पादन होता है इसका। कांच बनाने प्रकाशीय किए तंतु बनाने में इसका उपयोग होता है। तब तांबे की बात करते हैं तो तांबा मलाज खंड बालाघाट में, होशंगाबाद सागर में इसका पाया जाता है। खनन करवाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसका खनन करवाता है। लोहे की बात करें तो जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ में इसका उत्पादन होता है या पाया जाता है। निर्यात होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी और जापान के लिए। ताप सह मिट्टी फायर क्ले भी बोला जाता है। 1600 तक जलता नहीं है, मतलब 1600 डिग्री तक ये जलता नहीं है। उपयोग होता है इसका भट्टियों, उच्च ताप सहने वाली वस्तुओं के लिए। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, शहडोल में इसका उत्पादन होता है। 1600 तक ये जलता भी नहीं है। सॉफ स्टोन ट्रॉल्क स्टेटाइट ये जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, भेड़ाघाट। उपयोग इसका पाउडर, प्रिंट, बिजली का सामान, प्रयोगशाला की मेज बनाने में किया जाता है। थैल स्पार एमपी फर्स्ट नंबर पे इस मामले में। ये जबलपुर, लमेटा घाट, छिंदवाड़ा, शहडोल में पाए जाते हैं, और मिट्टी के बर्तन कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। संगमरमर की बात करें तो आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। जबलपुर, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में
इसे श्वेत संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है। ग्वालियर में लाल पीला छींटदार हरा। अब अभ्यक्त की बात कर लें तो अग्नेकायन्तित चट्टानों में पाया जाता है। परदा हल्का चमकीला कुचालक है। औषधि बिजली मोटर टेलीफोन लालटेन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद झाबुआ मंदसौर नरसिंहपुर शहडोल सीधी टीकमगढ़ में पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात कर लें तो बैतूल पेंसिल बैटरी फ्रेंड बनाने में किया जाता है। कोयला की बात करें तो चौथे नंबर पर भारत में एमपी गोंडवाना कल्प की चट्टानों से पाया जाता है। आपको बता दें मध्य भारत कोयला क्षेत्र सीधी सिंगरौली रीवा शहडोल में तिपछरिया खाई नवा नगी परारी मोरखा मोरवा रीवा सोहागपुर शहडोल उमरिया कुरार जोहिला ये विंध्य प्रदेश के हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं अर्बित्राकर पेटी मोहे पानी साहेपुर तावा कानन घाटी पैंच घाटी बैतूल होशंगाबाद में टंगस्टन आगर गांव होशंगाबाद में निकल सीरी में सूरमा जबलपुर में सीसा होशंगाबाद दतिया शिवपुरी झाबुआ जबलपुर में वेराइट सूरजपुर टीकमगढ़ में देवास धार झाबुआ शिवपुरी में पाया जाता है। उत्पादन होते हैं यह अब भैक है जो बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में धिया पत्थर टेल्क भेड़ाघाट जबलपुर झाबुआ में एस्बेस्टस डोलोमाइट झाबुआ में टीन गोविंदपुर बैतूल में गेरू इस सतना पन्ना में होता है उत्पादन या पाया जाता है। डायसपुर छतरपुर टीकमगढ़ में कैल्साइट बड़वानी सोना सीरी कटनी शहडोल प्लेडियम बैतूल प्लेटिनियम नम बैतूल में। चलिए तुमने 15वां पार्ट देख लिया है एमपी स्पेशल का। अब अगले पार्ट की जैसे हम 16वां पार्ट की बात करेंगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक इसी यहीं रोकते हैं सर इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।